आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यदि हम इन चारों ऑप्शंस पे देखें तो प्रस्तुतीकरण का संबंध मुख्य रूप से यदि हम देखें तो शिक्षक के द्वारा हो रहा है, क्योंकि शिक्षक ही इस प्रस्तुतीकरण को बता रहा है। ठीक है, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसका प्रस्तुतीकरण मुख्य रूप से शिक्षक के द्वारा ही किया जा रहा है और शिक्षक ही ये हमको बताता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी गलत है और सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सही उत्तर ए शिक्षक से होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।